दुर्ग जिले में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दुर्ग पुलिस की ये कोशिश है कि इस अभियान से अधिक लोग हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक हों, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि अभियान के तहत सबसे पहले 3 पुलिस पेट्रोल पंप में ये नियम लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। और पिछले 1 महीने की सारी दुर्घटनाओं की विवेचना करने पे हमने देखा है कि इस बीच कुछ दुर्घटनाएं भी ज़्यादा हुई और दुर्घटनाओं में मरने वालों की नफरी भी थोड़ा ज़्यादा रही है। और परसों मैं स्वयं अपने पेट्रोल पंप के दौरे पे भी था, तो वहाँ पे देखा कि ज़्यादातर लोग बहुत ही लापरवाही से और बिना हेलमेट के फैमिली बैठाए हुए आकर वहाँ पर पेट्रोल ले रहे थे। तो अपने दिमाग में वहाँ से एक विचार आया कि पहले हम स्वयं के अपने पेट्रोल पंप से अनुशासन फॉलो कराएँ और जो लोग भी ऐसा बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वहां पे आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार के पेट्रोल डीजल का बिक्री ना की जाए। इस संबंध में दुर्ग के जिला में संचालित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप के प्रभारी शेख मुस्ताक ने बताया कि वे हेलमेट लगाए बिना ग्राहकों को वापस भेज देते हैं, इससे ग्राहकों की नाराजगी भी उन्हें झेलनी पड़ती है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो अभी एक्सीडेंट से मौत हो रही पर डे, तो जिस वजह से आप मेरे पेट्रोल पंप में अभी भीड़ कम देख रहे हैं क्योंकि हम लोग हेलमेट के ऊपर अभी सख्ती किए हुए हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो आदेश दिया उसकी हम सख्ती से पालन कर रहे हैं। वहीं जिला पुलिस के इस अभियान को कई ग्राहकों ने अच्छी पहल बताया। उनका कहना है कि पुलिस विभाग की ये कोशिश निश्चित ही रंग लाएगी और जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ये एक अच्छी पहल है क्योंकि आज अगर बिना हेलमेट के सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो युवा वर्ग है वो बिना हेलमेट के एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जब उनकी मौत होती है वो एक पूरे परिवार के लिए क्षति है, वो एक व्यक्ति की क्षति नहीं है। तो पुलिस का यह कदम निश्चित तौर पे, देखिए चालान काट लेना एक बात है, परंतु इस तरह के जो प्रयास हैं, जो सामाजिक प्रयास हैं कि हाँ हम पेट्रोल पंप में ही हम ये सुनिश्चित करें कि हाँ जब तक वो हेलमेट लगा के नहीं आएगा हम उसको पेट्रोल नहीं देंगे, तो उसको पहनना पड़ेगा और ये धीरे धीरे क्या होगा, आदत बन जाएगी। यही रीज़न है कि जो लोग हेलमेट नहीं लगाए उनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है और ये एक अच्छी पहल है जिसमें कि लोग हेलमेट लगाएं, इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए पहल है। तो ये इसके लिए मैं दुर्ग पुलिस को बधाई देता हूँ और उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसकी वजह से कम लोग हेलमेट लगाना शुरू करेंगे। गौरतलब है कि पुलिस ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है।